वो अगर 2024 में मतलब एग्जाम फरवरी में जो होगा, 1 फरवरी से आपका इंटरमीडिएट का होगा और 14 से 16 फरवरी के आसपास शुरू होंगे मैट्रिक का, तो उसमें कितने पेपर का एग्जाम देना होगा? जितने में हम फेल हो गए हैं उतना ही पेपर का एग्जाम देना होगा या फिर सभी पेपर का एग्जाम देना होगा? तब ध्यान से सुनिए क्या हम बोल रहे हैं, अगर तो आपको देना ही पड़ेगा जैसे भी दीजिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्कूटनी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर रिजल्ट आ चुका तो है कि नहीं? अगर रिजल्ट वाकई आ चुका है तो किधर है रिजल्ट? सामने आना चाहिए ना, मुझे भी दिखना चाहिए, किसी को भी दिखना चाहिए। जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर कोई भी स्कूटनी रिजल्ट, स्कूटनी मतलब रीच मंत्री और आनंद किशोर तक पहुँचाएँ, अपने DM साहब तक को भी पहुँचाएँ, अपने प्रिंसिपल साहब तक को भी पहुँचाएँ, मेरा वीडियो पहुँचाएँ। और हम सबसे पूछना चाहते हैं, DM साहब से भी हम पूछना चाहते हैं, प्रिंसिपल साहब से भी हम पूछना चाहते हैं कि अगर रीचेक वाला रिजल्ट आ गया है तो कहाँ है, किसका रिजल्ट आया है? क्योंकि आप लोग मूर्ख बना रहे हैं, पिछले 10 दिनों से आप लोग मूर्ख बना रहे हैं कि प्रिंसिपल के पास जाओ तो वो बोले रिजल्ट आ चुका है, DM के पास जाओ तो वो बोले रिजल्ट आ चुका है, CM के पास जाओ वो बोल रहे हैं रिजल्ट आ गया है। जय हिंद, नमस्कार, दिस इज विक्की मिश्रा। तो काफी ज्यादा आप लोगों में से परेशान है लोग कि आखिर स्कूटनी मैट्रिक रिजल्ट कब आएंगे, इसकी तो बात होगी। साथ ही एक और कमेंट मेरे पास लगभग पर डे 10-20 आ रहे हैं, वो ये कमेंट है कि जो लोग मैट्रिक में और इंटर में फेल हो चुके हैं, वो अगर 2024 में मतलब एग्जाम फरवरी में जो होगा, 1 फरवरी से आपका इंटरमीडिएट का होगा और 14 से 16 फरवरी के आसपास शुरू होंगे मैट्रिक का, तो उसमें कितने पेपर का एग्जाम देना होगा? जितने में हम फेल हो गए हैं उतना ही पेपर का एग्जाम देना होगा या फिर सभी पेपर का एग्जाम देना होगा? तब ध्यान से सुनिए क्या हम बोल रहे हैं और कैसे आपको काम करना है। जो लोग पहली बार 2023 में फेल हुए एंड वो 24 में फिर से एग्जाम देना चाहते हैं, लाइक मैट्रिक में है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड आप अगर मैट्रिक से है, इंटर से है, किसी में भी फेल हुए और आप फिर से एग्जाम देना चाहते हैं इसी बोर्ड से, इसी रजिस्ट्रेशन, इसी स्कूल से, तो आपको सभी पेपर का एग्जाम देना होगा। लेकिन आप 2022 में भी फेल हुए थे, 2023 में एग्जाम दिए हैं और फिर 2024 में भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आपको बस उसी पेपर का एग्जाम देना होगा जिसमें आप फेल हो चुके हैं। क्लियर है डाउट? तो तैयार रहिए। अब आप देख लीजिए कि आप, हालांकि फेल होना पास होना तो चलते रहता है, पास और फेल थोड़ा सा किस्मत भी और थोड़ा सा काबिलियत भी, हो सकता है कि कभी किसी का फेल होने के समय में या एग्जाम के समय में ये भी हो सकता है कि किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो, डैट कंडीशन में भी वो पूरा बढ़िया से लिख ना पाया हो, या कुछ और व्यक्तिगत की, या फिर आसपास में कोई बढ़िया आदमी पढ़ाने वाला टीचर भी ना हो, तो ये सब बहुत चीज़ें जो है फेल होने में मैटर करता है। और किसी भी सब्जेक्ट को छोटा समझ लेना, कम समझ लेना, कम आंक लेना, ये भी एक गलती हो सकता है आपके कम रिजल्ट आने का। तो ये उम्मीद करते कि ये बात समझ में आ गया होगा कि कौन कैसे एग्जाम देगा। अगर दोबारा तिबारा आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको उसी पेपर का एग्जाम देना होगा जिसमें आप फेल हुए हैं। ये 2020 तक का भी यही रूल है, पता नहीं इस बार बदल दी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 100% हम बता रहे हैं क्योंकि ऐसा काफी विद्यार्थियों के साथ हुआ है, क्योंकि ऐसे एग्जाम चल रहा है, एग्जाम में से अचानक घर आया, हमने पूछा कि क्या हुआ है, तो वो बोला कि हमारा पेपर हो गया, हम कह रहे सबका तो पेपर चल रहा है अभी, तो बोले नहीं हम इसी में फेल थे तो हमारा चल रहा है। तो ऐसे काफी ज्यादा विद्यार्थियों से हम भी बात किए, हर तरह के विद्यार्थी से बात करते रहते हैं, या काफी विद्यार्थी जो 2-3 बार से फेल हो रहे हैं वो भी मेरे पास आते हैं, वो भी मेरे पास तैयारी में लगे रहते हैं। तो ऐसे मेरा ये अनुभव आपने बता रहे हैं, अनुभव क्या साथ में घटित घटना को हम बता रहे हैं आपके साथ शेयर किए, कि जो लोग 2-3 बार से फेल हुए तो उसका पेपर मतलब तीसरी बार में वो मेरे पास जब आई तब पास हुई थी, लड़की ही थी, तो तीसरी बार में वो पास हुई थी तो उसको उसी पेपर का देना चाहिए था, लेकिन फिर से पहली बार जो एग्जाम दी थी उसको सभी पेपर का एग्जाम देना होगा। तो आपको तैयार रहना सभी पेपर के लिए। बिहार बोर्ड है भाई, अपना रूल रूटीन हमेशा बदलते रहता है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग कर ही देता है, लेकिन सब वही याद, सबसे तेजी में रिजल्ट देने वाला बिहार बोर्ड, भारत का सबसे तेजी में फास्ट रिजल्ट देने वाला कोई है तो बिहार बोर्ड, और सबसे खराब रिजल्ट देने वाला कोई है तो बिहार बोर्ड, मतलब सब में फर्स्ट है, फर्स्ट रिजल्ट देने में भी है और सबसे खराब रिजल्ट देने में भी फर्स्ट है। इसलिए है क्योंकि मैट्रिक का स्कूटनी रिजल्ट पे विद्यार्थी परेशान है, डमी एडमिट कर 24 वाला चेक हो रहा है, लेकिन जो रिजल्ट के लिए अटका हुआ है उसका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। तो ये बताओ सही है कि गलत है? गलत है, ये चीज गलत है। स्कूटनी रिजल्ट आपको कंपार्टमेंटल से पहले देना चाहिए था, हालांकि हमें तो हमारे नजरों में तो आपको पहले ही रिजल्ट दे देना चाहिए था स्कूटनी का, उसके बाद आपको कंपार्टमेंटल फॉर्म भी लेना चाहिए था, लेकिन आप लोग पागलपंती अगर ये कर ही दिए तो पहले रिजल्ट आपको स्कूटनी का ना देना चाहिए। विद्यार्थी सब परेशान है और पता नहीं सब पागले लोग सिस्टम में बैठा हुआ है, किसी के पास बुद्धि उदी नहीं है,
सब विद्यार्थी परेशान है स्क्रूटनी रिजल्ट के लिए और किसी का कोई सुनवाई नहीं, और नंबर भी छोटा लोग ये लोग जारी कर रहा है बिहार बोर्ड से जो जारी हो रहा है, किसी भी फोन नहीं लग रहा है। मूर्ख किसे बनाया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और बोर्ड सचिव जी, हम सभी आप ही लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। हम किसी विद्यार्थी के लिए वीडियो विशेष तौर से नहीं बनाए हैं, हम बनाए हैं कि आप लोग हमारा वीडियो देखिए। हम जानते हैं कि थोड़ा सा उटपटांग शब्द हम बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग को चुभे, हम भी चाहते हैं कि चुभे आप लोग को, आपको चुभने के लिए खराब शब्द हम बोल रहे हैं। आपको खराब लगे इसलिए खराब शब्द बोल रहे हैं, आपको अच्छा लगे इसलिए खराब शब्द नहीं बोल रहे हैं। विद्यार्थी परेशान है और परेशानी का कारण कोई और नहीं है, आप है और आपकी सिस्टम है, पागल लोगों की सिस्टम है आपकी और मूर्ख लोगों की बाजार रखे हैं, मतलब तादाद खड़ा कर रखे हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अकल उकल नाम का चीजें नहीं है। कब स्कूटनी देना चाहिए, कब कंपार्टमेंटल देना चाहिए, कब रिजल्ट लेना चाहिए देना चाहिए, कुछ भी किसी को कोई आइडिया नहीं है। जस्ट ऐसे ही रेंडमली चले जा रहा है, चले जा रहा है, क्यों चले जा रहा है ये भी किसी को कारण पता नहीं है। तो हमें लगता है कि विद्यार्थियों दल बल सेना के साथ में अपने बोर्ड ऑफिस में मत बुलाइए। अभी हम चाहते हैं कि आप ही लोग रिजल्ट दे दीजिए, पैसा लिए रिजल्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, आप जैसे भी दीजिए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि स्कूटनी रिजल्ट आ चुका है, लेकिन हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर रिजल्ट आ चुका तो है किधर, अगर रिजल्ट वाकई आ चुका है तो किधर है रिजल्ट, सामने आना चाहिए ना, मुझे भी दिखना चाहिए, किसी को भी दिखना चाहिए। जितने लोग भी मेरे वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर कोई भी स्कूटनी रिजल्ट, स्कूटनी मतलब रीचेक कॉपी में जितने लोग भी डाले थे वो कितने लोगों का रीचेक कॉपी का रिजल्ट आ चुका है, प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। और नहीं आया है तो ये वीडियो को बिहार बोर्ड माननीय मुख्यमंत्री और आनंद किशोर तक पहुंचाएं, अपने डीएम साहब तक को भी पहुंचाएं, अपने प्रिंसिपल साहब तक को भी पहुंचाएं, मेरा वीडियो पहुंचाइए। और हम सबसे पूछना चाहते हैं, डीएम साहब से भी हम पूछना चाहते हैं, प्रिंसिपल साहब से भी हम पूछना चाहते हैं कि अगर रीचेक वाला रिजल्ट आ गया है तो कहाँ है, किसका रिजल्ट आया है। क्योंकि आप लोग मूर्ख बना रहे हैं, पिछले 10 दिनों से आप लोग मूर्ख बना रहे हैं कि प्रिंसिपल के पास जाओ तो वो बोले कि रिजल्ट आ चुका है, डीएम के पास जाओ तो वो बोल रहा है रिजल्ट आ चुका है, सीएम के पास जाओ वो बोल रहा है रिजल्ट आ गया है, कहाँ है रिजल्ट, किसका आया है रिजल्ट। एक एक विद्यार्थी की आवाज बन के ये मैं पूछ रहा हूँ, पूरे सिस्टम से पूछ रहा हूँ, अगर आया है रिजल्ट तो कहाँ है रिजल्ट, दिखाया जाए मुझे, बताया जाए मुझे। क्योंकि विद्यार्थी सब अपना ही है और इससे पैसा लिया गया, इसका रिजल्ट देना पड़ेगा आपको, दिखाना पड़ेगा। फेल है पास है वो उसका प्रॉब्लम है, लेकिन आप पैसा लिए हैं रीचेक के लिए, तो रीचेक तो सबसे पहले विद्यार्थी के सामने करना चाहिए, पीठ पीछे आप चेक कर दिए, फिर से कन्फ्यूज तो है ही है, फिर से स्कूटनी के लिए करो अप्लाई। तरीके पहले वाला स्कूटनी दिए नहीं कंपार्टमेंटल वाला, फिर से स्कूटनी ले लिया, चोर चुहार लोग, सबका सब पगलेटे भरल है। जय हिंद। खराब लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं हम, आपको खराब लग रहा है ना, हमको मजा आ रहा है, हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हम आपके नजरों में हम बुरे हैं लेकिन अपने नजरों में हम सही है। और किसी की नजरों में गिरे आना रहे, गिरे खुद के नजरों में कभी नहीं गिरना चाहिए, और हम अपने नजरों में ऊंचे हैं, क्योंकि हाँ विद्यार्थी के साथ आप गलत कर रहे हैं और इसकी सुधार जरूरी है, इसीलिए हमें कोई अफसोस